अमरीकी सफीर डोनर ब्लूम की दफ्तर खारजा आमद, वजीर खारजा इशाक डार से मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत, आगाह कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। जी हाँ, अमरीकी इलेक्शन जो 5 नवंबर को हुए और जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उसके बाद अमरीकी सफीर की ये वजीर खारजा व नायब वजीर आजम इशाक डार के साथ पहली मुलाकात है। साथ साथ ये भी बता दूं कि 46 अमरीकी कांग्रेस मैनों ने जो खत लिखा है और जिसमें पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की गई है, उसके बाद भी ये पहली मुलाकात है। लिहाजा ये मुलाकात एक तो बड़ी अहमियत की हामिल है कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम आज दफ्तर खारजा आए और दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इशाक डार से उन्होंने मुलाकात की। दफ्तर खारजा से इस मुलाकात के हवाले से एक बयान भी जारी किया गया है। अभी तक अमरीकी सफारतखाने से तो कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा तफसीलात का।